हेलो एवरी वन वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस दिस इज़ रंजन एंड अगेन ऑन द लेक्चर ऑन द वीडियो लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई एम देव विथ यू फॉर मॉड्यूल नंबर टू पार्ट वन और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जब समरी वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया वेन यू हैव ऑलरेडी समराइज ऑल द प पर्टिकुलर फॉर्मुलेज द पर्टिकुलर सेक्शंस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर देन वी आर नाउ रेडी टू डील विथ ऑल द काइंड ऑफ न्यूमरिकल्स अवेलेबल इन द सिंगल फेज ए सी सर्किट्स तो सिंगल फेज एसी में गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर आप बोले तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको मैंने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने बनाई हुई है दैट इज़ द कैटेगरी ऑफ ऑल द सीरीज़ ए सी सर्किट्स सेकेंड वन इज़ द कैटेगरी ऑफ ऑल द पैरल ए सी सर्किट्स एंड थर्ड वन विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम और इसी के बेसिस पर मैंने वीडियो को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि वहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी आर नाउ गोइंग टू डील विथ ऑल द काइंड्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी न्यूमेरिकल्स दैट इज़ द सिंगल फेज़ ए सीरीज़ कनेक्टेड सर्किट्स सिंगल फेज़ एसी में जो सीरीज़ कनेक्टेड सर्किट्स होते हैं उसको कैसे डील करना है उसके अंदर की क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इस पर हम लोग डील करने वाले हैं तो मैंने दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा अब अबॉव मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ठीक है और इन्हीं दोनों क्वेश्चन के बेसिस पर मैं चाहता हूँ कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट आपने जो सीखे हुए हैं इनको आप अप्लाई करना भी सीख जाएँ इस पर कि कैसे अप्लाई किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो उनको कैसे डील करना है वो भी समझ जाए ठीक है तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज़ एसी सर्किट से और मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम अप्रोच सीखेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाता है एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी uh, में आते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं अदर देन गेट प्रिपरेशन या गेट एस्पेरेंट्स तो uh, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूमेरिकल्स को कैसे रिप्रेजेंट uh, करना चाहिए कैसे प्रेजेंटेशन present, के साथ आप अपनी आंसर शीट में उसको लिखेंगे सो so, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ और इसको फिर हम रीड करेंगे और देखेंगे इसमें कैसे अप्रोच करना चाहिए सो लेट इस स्टार्ट फ्रॉम अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ ए सी

तो क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में समझ लेते हैं अगर किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो क्विकली बता दूं इस सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कंसिडर करने वाली है दैट इज कि सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आर एल सर्किट मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं यहां पे जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवेन है फिफ्टी ओम्स इंडक्टर में इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज वैल्यू ऑफ एल एज जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन हैनरी तो ध्यान रखिएगा अगर आपको सर्किट में इंपिडेंस कैलकुलेट करना है तो आपको इंडक्टेंस नहीं इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आप क्विकली वहाँ पे इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे जो हम लोगों ने फॉर्मूले की लिस्ट रखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आप क्विकली देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडक्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इनटू टू एक्स एल बाई टेकिंग टू पाई एफ ठीक तो चलिए उस पर आएंगे जब सोल्यूशन पे जाएंगे हम लोग तो देन इसके बाद गिवन है कि वेन वोल्टेज ऑफ वी टू एटी थ्री साइन हंड्रेड टी इज अप्लाइड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक फॉर्म्स पता होने चाहिए कि, कि किसी भी क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट फॉर्म उसका बेसिक फॉर्म जो है वो कौन सा है ठीक है तो जैसे यहां पे जो वोल्टेज गिवन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी तो यहां से दो डेटा आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर्किट डायग्राम से और साथ ही साथ लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है सो फॉर द सोलूशन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है और अवेलेबल है सो फ्रॉम दिस थिंग वी कैन हैव फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द करेंट फ्लोइंग एंड कैलकुलेट द पावर इन द सीरीज दीर सर्किट ऑफ वैल्यू आर यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 50 ओम्स एंड वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एज जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन हैनरी तो आपके पास दो ऑप्शन है आप चाहें तो गिवन सेक्शन के अंदर ही आप एल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और या तो आप सोलूशन के ड्यूरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो अगर सपोज मैं यूजुअली गिवन पार्ट में ही कंप्लीट कर लेता हूं इस सेक्शन को तो एक्सेल इक्व टू टू पाई एफ एल और ओमेगा एल तो अब मैं सर्किट में जाऊंगा और ये देखूंगा इस गिवन क्वेश्चन में कि मेरे पास अवेलेबिलिटी किस डेटा की है मेरे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं एक्सेल कैलकुलेट कर लेता हूँ या मेरे पास ओमेगा डायरेक्टली गिवन है तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज गिवन है वी एम साइन ओमेगा टी के फॉर्म में तो बोलने का क्या मतलब हुआ ये वोल्टेज को अगर मैं लिखूँ वी एम साइन ओमेगा टी और इस वोल्टेज को मैं एक्सप्रेस कर दूँ टू एटी थ्री साइन हंड्रेड टी वोल्ट्स के फॉर्म में तो क्लियरली कोई भी इससे डिफाइन कर सकता है कि द वैल्यू ऑफ वी एम इज डायरेक्टली गिवेन एज टू एस एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा ही ओमेगा की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाइड है तो अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है तो इस particular question के अंदर हम लिख सकते हैं ओमेगा इज हंड्रेड देव टू ओमेगा एल और एक्सएल शुड बीवस टू हंड्रेड इन टू the given value of inductance that is 0.159 ठीक है so after multiplying it with omega the value of xl is 15.9 ohms ये मिल गई हमको xl की वैल्यू अभी हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं गिवन लिख रहे हैं क्वेश्चन में ठीक है तो इसी गिवन में देखो अब r की वैल्यू और xl की वैल्यू अवेलेबल हो गई हमारे पास देन apart from that we are having a value of vm तो इसको भी लिख लेते हैं दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी हैव मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ टू एटी थ्री वोल्ट एक ये भी क्वांटिटी अवेलेबल है अब इसके बाद गिवेन में बस इतना ही पार्ट है अब देखते हैं टू फाइंड क्या क्या है सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करेंट ठीक है तो अवेलेबल सर्किट के अकॉर्डिंग हमको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में करंट का एक इक्वेशन बनाकर शो करना है दैट इज आई एम साइन टी के फॉर्म में एंड इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेशन ऑफ पावर तो ये दो चीजें करनी है इन दोनों चीजों के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सिंगल फेज ए के अंदर तो बाई डिफॉल्ट ऑल द कैलकुलेश्स आर परफॉर्म्ड वेन द क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस इन देयर आर एम एस फॉर्म तो आर एम एस के फॉर्म में ही कैलकुलेशंस होते हैं और आर एम एस के फॉर्म में एक्सप्रेशन होते हैं आर एम एस जो होता है एक यूनिवर्सल फॉर्म होता है तो आप यूजुअली जो भी ए सी एक्सप्रेस करते हैं जैसे आप अपने घरों में आप एक्सप्रेस करते होंगे 230 थर्टी वोल्ट ए सी वन टेन वोल्ट ए सी या सप्लाई करेंट आप थ्री एम बोल रहे हैं तो ऑल दोज वैल्यूज दैट यू आर मैंशनिंग आर एन आर एम एस फॉर्म आर एम एस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं और अगर आपका इसका ये बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप एक बार इसको हमारे पुराने मॉड्यूल्स में देख सकते हैं कन्फर्म कर सकते हैं उस चीज़ से कि पुराने मॉड्यूल्स में मैंने इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों हम लोग हर क्वान्टिटी को आर एम एस फॉर्म में ही बाई डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस करते हैं तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है अब इसी के साथ अगर ये रिक्वायर्ड है कि आपको क्वांटिटीज़ को आरएमएस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ करंट हमको एक्सप्रेशन ऑफ करंट अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ करंट इज गिवन एज आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा तो इसमें से सबसे फर्स्ट थिंग इज़ मिसिंग आईएम कैलकुलेट करने के लिए आपको सर्किट इंडक्टिव बिहेवियर रखेगा या रखेगा? वो शो करना है. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कैसा ड्रॉ करेंगे हम लोग इस सर्किट को एज फार एज द न्यूमेरिकल एंड इट्स डेटा आर कंसर्न आप इस सर्किट को कुछ ऐसा ड्रॉ करने वाले सर्किट कुछ ऐसा ड्रॉ किया जाएगा दप्लाई वोल्टेज इज टू एटी थ्री साइन हंड्रेड टी वोल्ट सप्लाई करेंट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज फिफ्टी ओम्स एंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फिफ्टीन पॉइंट नाइन ओम्स ये पूरा एक्चुअल सर्किट है ठीक है आर और एक्सएल दो चीज गिवेन है और हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में से वैल्यू ऑफ करेंट आई ठीक और करेंट की आई

VRMS का यूज़ करके IRMS निकाल सकते हैं बस एक ही चीज और चाहिए होगी आपको Z टोटल पूरी सर्किट की Z की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसीलिए तो कौन सी वैल्यू मिलती है सो फॉर वी आर एम एस वी गॉट द वैल्यू टू हंड्रेड पॉइंट वन वन तो इसको डिवाइड कर दिया वी आर एम एस की वैल्यू गई नाउ द नेक्स्ट थिंग कैलकुलेशन ऑफ जेड

ठीक है और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एन आर सिंप्लीफाइड इन टू जेड एज फिफ्टी टू पॉइंट नाइन ओम्स या समवेयर अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी टू पॉइंट फोर सिक्स ओम्स के आसपास ये वैल्यू निकल के आएगी ठीक है इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली वैल्यू तक हम लोग पहुंच जाएंगे एंड नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ जेड टोटल तो आप देखिए सिंपल सा वे है इसको कैलकुलेट करने का आपको सप्लाई करंट की वैल्यू चाहिए आपके पास सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू आ गई टोटल इंपिडेंस की वैल्यू आ गई तो अगर सपोज वी अप्लाई वी इज इक्वस टू आई इन टू जेड सो फ्रॉम दैट सेक्शन वी कैन फाइंड आई आर एम एस इज इक्व टू वी आर एम एस बाई जेड टोटल इफ दिस इज द टोटल इंपिडेंस ऑफ द सेक्शन ठीक है तो यही काम कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आई आर एम एस कैलकुलेट करते हैं बाई टेकिंग वी आर एम एस दैट इज़ टू हंड्रेड पॉइंट वन अपॉन द जेड टोटल फिफ्टी और यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आई आर एम एस की वैल्यू भी पता चल जाएगी हमको लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको ये एक्सप्रेशन फॉर करेंट में आई आर एम एस नहीं आई मैक्सिमम की जरूरत है तो एक बार आपने आई आई आर एम एस निकाल लिया तो आप उसको आर एम एस वैल्यू के फॉर्मुला में पुट करके आई मैक्स निकाल सकते हैं ठीक तो है तो आइए देखते हैं कि आई आर एम एस वैल्यू कितनी मिलती है हमको तो वैल्यू ऑफ आई आर एम एस इज समवेयर थ्री पॉइंट एट और थ्री पॉइंट एट वन ये वैल्यू मिल गई और इसी वैल्यू को अब कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इनटू आई मैक्सिमम तो आई इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं सो नाउ आई मैक्स या आई एम इज इक्व टू आई आर एम एस इंटू रूट टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी वैल्यू को तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ आई एम वैल्यू so, को रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं नाव द वैल्यू ऑफ फाइव पॉइंट दैल्यू ऑफ आई मैक्स तो इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हमको बस एक चीज और चाहिए वैल्यू ऑफ ओमेगा टी ठीक है तो वैल्यू ऑफ ओमेगा टी पुट करने के लिए देखिए आई एम की वैल्यू पता है ओमेगा टी के लिए ओमेगा पता है लेकिन लीड और लैक कंडीशन हो रहा है और कितने डिग्री का हो रहा है ये दो चीज कैलकुलेट करना भी जरूरी है तो so, इन्हीं दो चीजों को कैलकुलेट करने के लिए क्विकली देखते हैं कि अगर आपको यहां पे देखना है कि लीड और लैग हो रहा है तो देख सकते हैं आप दो लोड्स हैं रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड ठीक है फॉर रजिस्टिव लोड देयर इज नो कंडीशन ऑफ लीड एंड लैग तो इस पूरी सर्किट को कौन अफेक्ट कर रहा है इंडक्टिव लोड और इंडक्टिव लोड की टेंडेंसी क्या होती है अगर किसी सर्किट में इंडक्टिव लोड लगा हुआ है तो डेफिनेटली उस सर्किट के अंदर करंट लैग करेगी सप्लाई वोल्टेज से या उल्टा अगर मैं बोलूं तो वोल्टेज लीड करेगा सप्लाई वोल्टेज से आइडियली बाय 90 डिग्री तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अब बस मुझे ये देखना है कि प्रैक्टिकली इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कितने डिग्री का लैगिंग हो रहा है करंट तो वो डिग्री कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं वैल्यू ऑफ कॉस्ट फाइव बाई द तो यहां पे मैं दोनों ही वैल्यू मुझे पता है तो दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं आर इज फिफ्टी ओम्स एंड जेड इज फिफ्टी टू पॉइंट फोर सिक्स ओम्स एंड वैल्यू ऑफ कॉस्ट फाइव मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा तो कॉस फाई की वैल्यू जैसे ही आएगी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉस फाई नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फाइव दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ दिस गिवन वैल्यू ठीक है तो फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम डायरेक्टली सीधे सीधे आप चाहें तो यहां पे फाइव इक्वल टू तो कॉस इन आर बाई जेड करके आप कैलकुलेट कर लीजिए इस चीज को और इससे आपको फाइव की वैल्यू मिल जाएगी समवेयर सेवनटीन पॉइंट सिक्स थ्री डिग्रीज तो डायरेक्टली मैंने फाइव कैलकुलेट कर लिया और पता चल गया कि फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज ऑफ 17.63 डिग्रीज तो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं या आप सर्किट में लीड और लैग कंडीशन शो करने वाले हैं दोनों ही एक्सप्रेशन के लिए आपको फेज एंगल कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है और उसको कैलकुलेट करने का ये बिल्कुल बेसिक मेथड है बहुत सारे और तरीके हैं आप चाहे तो फाइज इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी बाई ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या आप चाहे तो एम्पिडेंस को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करके उसकी एंगल का यूज भी कर सकते हैं बहुत सारे न्यूमरस मेथड्स हैं आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं मैं यूजुअली इसी मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इजी लगता है एक्सेट फार्मूला है कॉस फाइ इक्व टू आरपॉन जेड जब सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर ये वैल्यूज़ ना अवेलेबल हो तो आप दूसरे फार्मूल इस पर स्विच कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास फाई की वैल्यू आ गई मुझे ये पता है कि इंडक्टिव लोड अगर सर्किट में लगा हुआ है तो डेफिनेटली करंट लैग करेगी सप्लाई वोल्टेज से तो मैं अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी जानता हूँ दैट इज़ वन हंड्रेड तो अब मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ करंट का आई इज इक्वस्ट टू आई एम एम की जगह पे मैं पुट करूंगा ओमेगा पॉइंट थ्री नाइन देन साइन ओमेगा करंट लैक कर रही है सप्लाई वोल्टेज से बाय हाउ मच डिग्रीज बाय फाइव दैट इज 17.63 पॉइंट सिक्स थ्री डिग्रीज और ये बन जाएगा मेरा एक्सप्रेशन इस रिक्वायर्ड करंट का दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ करंट पर्टिकुलर सर्किट तो करंट का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर आंसर नंबर वन फर्स्ट आंसर सेकेंड कैलकुलेशन इज वेरी इजी इससे भी करना इतना है यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर जो कि बाई डिफॉल्ट होता है एक्टिव पावर दैट इज ट्रू पावर इस सर्किट का सिर्फ ट्रू पावर निकालना है तो एक बार फॉर्मूला क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दॉर ट्रू पावर वॉज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव जहां पे सारी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ठीक है ये सभी वैल्यूज को पुट करेंगे और डायरेक्टली पावर का फॉर्मूले में पुट करने के बाद कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं तो देखते हैं क्या क्या हो गए सबसे फर्स्ट थिंग हमको चाहिए वी आर एम एस तो देखिए वी आर एम एस यहाँ निकला हुआ है टू हंड्रेड पॉइंट वन वन वोल्ट लिख लेते हैं इसको भी टू हंड्रेड पॉइंट वन वन इंटू आई आर एम एस अब भी जस्ट कैलकुलेट किया आई आर एम एस थ्री पॉइंट एट वन एम सो मल्टीप्लाइंग विद्री पॉइंट एट वन एम

तो ऐसे कैलकुलेट करना है ऐसे अप्रोच करना है हमको किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको जो ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में सीरीज में अगर कोई एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो वो कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सही ऑर्डर में गिवन है कि नहीं जैसे इस क्वेश्चन में इंडक्टेंस गिवन था और हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है इम्पिटेंस कैलकुलेशन के लिए वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस तो हम लोगों ने क्विकली क्या किया इस इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस में कन्वर्ट कर लिया ठीक इस क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी चेक करेंगे आप जो भी डेटा अवेलेबल है सोर्सेज का उन सोर्स के डेटा को किस फॉर्म में दिया हुआ है जैसे इसके अंदर इस सोर्स को इस वोल्टेज की वैल्यू को जिस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है दिस इज द इंस्टेंटेनियस फॉर्म वी एम साइन ओमेगा टी तो तुरंत हम क्या हमने क्या किया इंस्टेंटेनियस फॉर्म के स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस वैल्यू को कंपेयर कर लिया जैसे ही कंपेयर किया क्विकली क्या मिल गया हमको वी एम दैट इज टू एटी थ्री साइन के बाद ओमेगा हंड्रेड एंड टी तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई ओमेगा की वैल्यू 100 और वीएम की वैल्यू 283 अब इनका यूज़ करके हम लोगों ने रिमेनिंग थिंग्स को कैलकुलेट किया हुआ है एट द सेम टाइम ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना भी उतना ही जरूरी है यहाँ पे एल की वैल्यू ना लिखें एक्सेल की वैल्यू लिखें क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि जब आप एक्सएल लिखते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की हड़बड़ी में गलती नहीं करते हैं आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड है आप वही पुट करेंगे यहाँ जेड के फॉर्मूले में लेकिन अगर सपोज गलती से आपने एल इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव नाइन या 0.159 जो भी गिवन है यहाँ पे 0.159 वो पुट कर दिया तो हो सकता है एग्जाम में आप हड़बड़ी में ध्यान ना दें और Z के फॉर्मूले में आप एक्सेल की जगह L की वैल्यू पुट करके आ जाओ और पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो इस चीज़ पे हमको फोकस करना है कि जो आप सर्किट डायग्राम बना रहे हैं आप कन्वर्ट करने के बाद की वैल्यू उसके अंदर लिख सकते हैं और अगर डायरेक्टली एक्सएल गेवेन है तो वेल एंड गुड तब तो फिर आप डायरेक्टली उसी वैल्यू को लिख सकते हैं ठीक है तो इसको इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले आर और एक्सएल को एक्सप्रेस किया क्वांटिटी को इसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया और क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है दैट इज़

और जब दोनों ही की वैल्यू मिल गई तो वी इक्वस टू आई जेड का यूज़ करके आई आर एम एस इक्व टू वी आर एम एस अपॉन जेड आर एम एस के फॉर्म में जेड टोटल के फॉर्म में सारी वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर लिया और यहाँ से जो करंट की वैल्यू मिली दैट इज़ आई आर एम एस एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमको क्या चाहिए था आई एम तो आई एम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करके देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ये जितना ज़्यादा आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे जितना ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ठीक है तो जब हम लोगों ने यहाँ से आई एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो बस दो ही चीज़ बची कि यहाँ लीड और लैक कंडीशन पता करना और ओमेगा की वैल्यू पता करना तो लीड और लैक कंडीशन सिर्फ डायरेक्टली आप देख के ही विजुअल इफेक्ट के साथ ही आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है और सिर्फ इंडक्टर ही है क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण कोई वोल्टेज ड्रॉप होती नहीं कोई वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस के कारण कोई वोल्टेज क्या फेज़ में चेंज होता नहीं है वोल्टेज में लीड लैक कंडीशन नहीं होती है तो इंडक्टर के, के केस या कैपेसिटर केस यही दो ऐसे कंडीशन होते हैं वही यही दो ऐसे रिएक्टेंसेज होते हैं जो सर्किट के अंदर फ्लक्चुएशंस लेके आते हैं ठीक है या तो पॉजिटिव 90 डिग्री या नेगेटिव 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ करेंट्स और वोल्टेजेस तो आपको बस इसी को काउंटर करना है तो इस सर्किट के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है तो आप क्या कर समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वहाँ करंट लैग करेगी सप्लाई वोल्टेज से एज पर योर डेरीवेशंस और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लैगिंग कंडीशन शो किया है करंट में माइनस लिख के और इसके साथ साथ फेज़ एंगल कॉस फाइ इक्वस टू आर बाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करके तो ऐसे बनाया बनाया जाता है किसी भी क्वेश्चंस को तो ये था सीरीज एसी सर्किट का एक क्वेश्चन अब सीरीज एसी सर्किट के इस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे तो आइए देखते हैं सीरीज एसी सर्किट का सेकेंड क्वेश्चन ओके सो स्टार्ट फॉर द सेवेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए क्विकली एक बार मैं रीड कर देता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेकंड क्वेश्चन इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स एंड अ कैपेसिटर ऑफ 150 वन आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सप्लाई ऑफ 230 थर्टी वोल्ट 50 हर्ड्स देन कैलकुलेट नंबर वन एम्पिडेंस सेकेंड पॉइंट करेंट थर्ड पॉइंट पावर फैक्टर फोर्थ पॉइंट फेज एंगल एंड फिफ्थ पॉइंट पावर कंज्यूम्ड तो इतनी सारी चीज़ों को मैंने इसीलिए एक साथ कंबाइन किया कि सो दैट आप अलग अलग वेरिएशंस जो अलग अलग क्वेश्चन बनाते मैंने एक ही क्वेश्चन में सभी को कम्बाइन कर लिया हुआ है तो आपको ये कैलकुलेशन सीखने के लिए बार बार अलग अलग क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आप इस सेम क्वेश्चन से आप ये सारी चीज़ें एक साथ निकालना सीख जाओगे तो आइए चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन से गिवन डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर क्या क्या डेटा गिवन है क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पास अवेलेबल फॉर्मूले इसका यूज करके ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम सोल्यूशन एंड इन दैट सोल्यूशन आई विल राइट द गिवन पार्ट तो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है तो फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस

वैल्यू ऑफ सी इज़ गिवन एज़ 150 फिफ्टी माइक्रो फैरड अगर मैं इसको करेक्ट करके लिखूँ सही फॉर्म में तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है फैरइस दैट इज़ इंटू टेन रेज टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स फैरइड और यहीं यहीं मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ आप चाहें तो सल्यूशन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्ससी इज़ इक्वस टू वन अपॉन ओमेगा सी दैट इज़ वन अपॉन टू पाई एफ सी दैट इज़ वन अपॉन टू पाई देखिए फ्रीकवेंसी गिवन है आपके क्वेश्चन में फिफ्टी हर्ट्स तो एफ़ की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे फिफ्टी और कैपेसिटेंस की जगह पे पुट कर सकता हूँ वन फिफ्टी इन टेन रेस टू द पावर ऑफ माइनस सिक्स ठीक है एंड आफ्टर दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ XC एज ट्वेंटी वन पॉइंट टू थ्री ओम्स इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू मिलती है हमको इससे ट्वेंटी वन पॉइंट टू थ्री ओम्स के ठीक है तो ये मैंने क्यों किया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जरूरत नहीं है सॉरी हमको कैपेसिटेंस की जरूरत नहीं है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की नीड है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया अब देखिए वैल्यू ऑफ़ आर वैल्यू ऑफ एक्ससी बोथ आर अवेलेबल अब देखते हैं सप्लाई किस टाइप की है तो लिखा हुआ है आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ टू थर्टी वोल्ट फिफ्टी हर्ट सप्लाई तो ए सी सप्लाई में ये टू थर्टी वोल्ट किसको इंडिकेट कर रहा है द वोल्टेज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर एम एस फॉर्म बाई डिफॉल्ट जिसमें गिवन होता है तो अब इसके बाद फाइंड क्या करना है तो वी आर एम एस यहाँ हमको गिवन है टू थर्टी वोल्ट एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और डेटा गिवन है अब देखते हैं कि फाइंड क्या, क्या क्या करना है तो टू फाइंड टू फाइंड लिखने के बाद ये सारे पॉइंट्स एक बार फिर से मैंशन कर लेंगे तो लिखते हैं टू फाइंड एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज इंपीडेंस बोलने का मतलब है वैल्यू ऑफ Z फाइंड करनी है तो ये करने से पहले एक काम करते हैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है

अब इनका यूज करके क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंपल सा फॉर्मूलासी स्क्वायर एक ही एलिमेंट लगा हुआ है एक्सी तो लिख दिया मैंने एक्सी का स्क्वायर और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया तो दिस बिकेम जेड इज इक्वस टू अंडर रूट फिफ्टीन स्क्वायर प्लस 21.23 स्क्वायर ठीक है और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो Z टोटल इस पूरे को आप Z टोटल भी बोल सकते हैं तो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको Z टोटल की वैल्यू मिल जाएगी तो अंडर रूड फिफ्टीन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट टू थ्री स्क्वायर इज इक्वस टू ट्वेंटी सिक्स ओम्स ठीक है तो टोटल इंपिडेंस इस सर्किट का अब आ चुका है ट्वेंटी सिक्स ओम्स अब देखते हैं इसका क्या यूज करेंगे हम लोग दिस इज आंसर ए तो देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही पूछा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंपिडेंस आपने यहाँ इंपिडेंस कैलकुलेट करके दिखा दिया चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे देखते हैं क्या पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ करंट तो पार्ट बी लिखते हैं यहां पे करंट कौन सी करंट आई आर एम एस तो बाई डिफॉल्ट जिस भी चीज की बात होती है चाहे वोल्टेज की बात हो चाहे करंट की बात हो या पावर की बात हो सारी चीजें हम लोग आई आर एम एस के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो बाई डिफॉल्ट आई आर एम एस या वी आर एम एस या पी आर एम एस के फॉर्म में गिवन होगी ठीक है तो क्वेश्चन ने पूछा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस कैलकुलेट करने का तरीका आई आर एम एस शुड बी इक्वस टू वी आर एम एस बाई जेड टोटल एक ही मेथड हो सकता है तो इसका यूज करके एक बार देखते हैं कि आई आर एम एस कितनी वैल्यू मिलती है आई आर एम एस इक्वस टू

तो अभी तक हम लोगों ने एम्पिडेंस कैलकुलेट कर लिया करेंट कैलकुलेट कर लिया दिस इज आवर सेकेंड आंसर दैट आंसर बी। अब सी पार्ट पे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है द कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर तो पावर फैक्टर के तीन बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े कोसाइन ऑफ फाइव कॉस फाई इक्व टू आर अपॉन जेड एंड कॉस वाई इक्व टू पी अपॉन एस तो पी और एस यानी एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों की वैल्यू नहीं पता हम लोगों को कोसाइन ऑफ फाई करने के लिए फाई की वैल्यू नहीं पता है अभी हम लोगों को तो so, एक ही फॉर्मूला बचता है कॉस फाइ इक्वस टू आर अपॉन जेड तो डायरेक्टली कॉस फाई में आर और जेड दोनों की वैल्यू पता है दोनों पुट कर लेते हैं सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड कॉस फाइव बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर देट इज फिफ्टीन ओम्स एंड वैल्यू ऑफ जेड दिक्स और ऐसा करके कॉस्ट फाइव की वैल्यू हमको मिल जाएगी जीरो पॉइंट समथिंग यानी कि जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स के अप्रोक्स लेकिन ये नोटेशन अभी कंप्लीट नहीं है जब भी आप पावर फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा उस सर्किट में अवेलेबल करंट की कंडीशन के साथ एक्सप्रेस करना होता है आपको कि उस सर्किट में करंट लीड करेगी या लैग करेगी तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं देखिए है, रजिस्टिव लोड है इसके कारण करंट में कोई लीड और लैक कंडीशन नहीं होती है जीरो डिग्री का फेज डिफरेंस है फॉर कैपेसिटिव लोड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एनालिसिस ऑफ एसी सर्किट में कि इफ़ देयर इज अ कैपेसिटिव लोड इन एनी एसी सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव लोड है तो डेफिनेटली करंट वहां से लीड करेगी सप्लाई वोल्टेज से बाय नाइन्टी डिग्रीज आइडियली तो इस कंडीशन के हिसाब से कॉस्ट फाइव शुड भी ज़ीरो साइड पर करंट की कंडीशन लिख दिया लीडिंग तो आपको लिखना नहीं कि करंट इज लीडिंग फ्रॉम वोल्टेज आप सिर्फ ब्रैकेट बना के लीडिंग भी लिख देंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि यू आर एक्सप्रेसिंग द कंडीशन ऑफ द करंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन और इसी के साथ कंप्लीट होता है सी पार्ट दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर सो दिस इज आवर आंसर सी अब नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं नेक्स्ट सोलूशन पे चलते हैं दैट इज पार्ट डी तो पावर फैक्टर भी निकाल लिया नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज एंगल तो देखते हैं फेज एंगल कैसे निकालेंगे बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं पार्ट डी तो फेज एंगल फाइव शुड बी इक्व टू कॉस इनवर्स 0.576 एकदम सिंपल इन वर्सो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स एकदम सिंपल साइंट फाइव सेवन सिक्स तो फाइव टू कॉस इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू तो बस करना कुछ नहीं है बस यहां से हमको फाइव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है ये वैल्यू सारी अवेलेबल है तो देखते हैं फाइव कितना आएगा The value of phi will be somewhere equals to 51.67. Yeah, I think somewhere equals to 51.76 degrees. So this is the phase difference angle. So us, lead, lead, so to तो jo hum logo ne bataya ki current अभी जो हम लोगों ने बताया कि करेंट लीड कर रही है लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कितने डिग्री से लीड कर रही है सप्लाई वोल्टेज से तो अब जब आपने फाइव कैल्कुलेट कर लिया तो वो भी पार्ट क्लियर हो गया यहाँ से कि करेंट 51.76 वन डिग्री से अपनी सप्लाई वोल्टेज से आगे चल रही है लीड कर रही है सो दिस विल बी आवर आंसर डी दिस इज आवर आंसर डी एंड दिस पार्ट एज ऑल्सो बिन कंप्लीटेड लास्ट पार्ट इज पावर कंज्यूम्ड तो क्विकली इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कोई इसमें भी टफ थिंग नहीं है पावर कंज्यूम्ड तो पावर जैसे ही लिखा हुआ है बाई डिफॉल्ट हम लोग एक ही पावर कैलकुलेट करते हैं दैट इज एक्टिव पावर या ट्रू पावर और एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या बताता है हमको कि पावर पी इज इक्व टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस कॉस्ट फाइव ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग एक्टिव पावर तो बस करना कुछ नहीं है इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं सो पी बिकम्स इक्व टू वी आर एम एस देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है वी आर एम एस टू थर्टी पुट कर लेते हैं टू थर्टी इन टू आई आर एम एस तो आई आर एम एस इज एट पॉइंट एट फाइव एम्पियस एट पॉइंट एट फाइव एम्पियस एंड कॉस फाइव दट इज जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स और इतने को सॉल्व करके निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ पावर तो इस क्वेश्चन के इस लास्ट पार्ट में यही पूछा हुआ है पावर कंज्यूम यही कैलकुलेट कर लेते हैं Somewhere इस वैल्यू के आसपास पावर की वैल्यू मिलेगी हम कैलकुलेट करने के बाद वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सॉरी पॉइंट फोर एंड दिस बिकम्स आवर आंसर ई तो लास्ट पार्ट जो पूछा हुआ है यहां से इसका भी आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो देखिए इतनी अलग अलग वेरिएशन की चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है द क्वेश्चन इज कि अगर सपोज इस सेम क्वेश्चन में आपको यह पूछा जाता कि फेजर डायग्राम भी इसके साथ ड्रॉ करके दिखाओ फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम बट स्टिल इफ यू वर आज टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑल्सो फॉर द सेम क्वेश्चन तो कैसे ड्रॉ करते है? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो क्विकली एक बार यहाँ पे फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ मैं देखिए फेजर डायग्राम का डेफिनेशन एक बार आपको जानना बहुत जरूरी है द डेफिनेशन ऑफ द फेजर डायग्राम स्टेट्स दैट इट इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद अ सर्टन फेज डिफरेंस एंगल एंड ऑल द लाइन्स आर अज्यूम टू बी रोटेटिंग इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन विथ एन एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड ये जानना बहुत ज़रूरी है यानी फेजर डायग्राम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये एक ऐसा डायग्राम होता है जहां एक लाइन ड्रॉ की जाती है एक डेफिनेट लेंथ की जो किसको रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है तो अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर जो फेज एंगल फाइव के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो हमको वोल्टेज की भी पीक वैल्यू चाहिए और करंट की भी पीक वैल्यू चाहिए और दोनों को सेपरेट कौन करेगा उनकी फेज डिफरेंस एंगल फाइव

ई एम एंड फाई चूंकि फेजर में जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्वांटिटी की पीक वैल्यू के लिए होता है तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी की देखिए आरएमएस वैल्यू पता है अभी हमको पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू से वोल्टेज के पीक वैल्यू पे चलते हैं ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वी एम इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू रूट टू इन द सेम वे आई आर एम एस इन टू रूट टू विल बी आई एम और तो सेम है जो कैलकुलेट करके रखा हुआ है 51.76 डिग्रीज एंड द कंडीशन इज करंट शुड लीड फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज क्योंकि कैपेसिटर का केस है तो एक बार क्विकली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं देखते हैं वी वी आर आर एम एम एस एस दैट इज इज मल्टीप्लाइंग एट विथ रूट टू देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है ठीक है तो चलिए वी आर एम एस और आई आर एम एस को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि वी एम और आई एम की वैल्यू कितनी आती है तो वी आर एम एस इज टू थर्टी वोल्ट इसको पुट कर देते हैं तो वैल्यू मिलती है हमको यहाँ पे समवेयर थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव की अप्रॉक्स की वैल्यू और इसके बाद आई आर एम एस को पुट कर देते हैं यहाँ पे तो द वैल्यू दैट वी गेट पुटिंग द आई आर एम एस इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव वन फाइव एम्पियर्स इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टू सिक्स नाइन ठीक है तो वी आर एम एस की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया 230 थर्टी वोल्ट आई आर एम एस की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पुट कर दिया इस पॉइंट से और मल्टीप्लाई किया इसको रूट टू से तो हमको वैल्यू जो मिली दैट इज़ वी एम एंड आई एम फाई को चेंज नहीं करना है फाइव जितना आपने कैलकुलेट किया था सेम मेथड कैलकुलेट करने का आप दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं या चाहें तो आप डायरेक्टली सेम वैल्यू को पुट कर सकते हैं दैट विल बी मच ईजीयर सो नाउ वी आर हैविंग द मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करेंट फाइव एक ही चीज़ फाइंड आउट करना बचा हुआ है कि दोनों में से लीड एंड लैग कौन कर रहा है तो कंडीशन पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि बीइंग The presence of XC, since the presence of XC is there in the circuit, therefore, the current should lead from the supply voltage by this much degrees. That is 51.76 degrees ab dekhte hain phasor अब देखते हैं express में इसको कैसे एक्सप्रेस करना है diagrams फॉर द फेजर डायग्राम्स इस क्वेश्चन में अगर फेजर आप ड्रॉ करेंगे तो आप इसको रेफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा फेजर का डेफिनेशन ये बताता है कि इट इज अफ डेफिनेट लेंथ यानी लाइन की लेंथ कितनी रखनी है वो है डेफिनेट है और किस पे डिपेंड करेगा इट इज़ अ लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी तो क्वांटिटी की पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसी प्रोपोर्शन में आपको उतनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है तो जैसे मेरे पास वी और आई है तो आप कंपेयर करोगे तो कंपेरेटिवली वी आर हैविंग वी ग्रेटर देन आई तो डेफिनेटली जब फेजर में आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वी की लाइन शुड लुक मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू आई तो वी की वैल्यू को मैं रेफरेंस पे अज्यूम करते हुए यहां लिखूंगा वी एम इज इक्व टू थ्री ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू सिक्स नाइन वोल्ट एंड आई ऑल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटिव लोड यहाँ पे करंट को लीड करना चाहिए कितने डिग्री से लीड करना चाहिए 51.76 डिग्री से तो अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाजे से 51.76 डिग्री का लीडिंग शो करते हुए मैं यहाँ कहीं पे कुछ करंट ड्रॉ करूँगा जिसकी वैल्यू है 12.515 वन फाइव देखिए लाइन के लेंथ में आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा विजिबल डिफरेंस होना चाहिए सिंस वी एम इज थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के अप्रोक्स की वैल्यू एंड आई एम इज ओनली ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो दोनों के लेंथ में विजिबल डिफरेंस भी दिखाई देना चाहिए ठीक है और जो फेज एंगल मैंने लिया इसको ऐसे एरो के साथ मैं शो कर दिया फाइव इज फिफ्टी वन पॉइंट सेवन सिक्स डिग्रीज़ और ये एरो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा द लीडिंग कंडीशन ऑफ सप्लाई करेंट ये इस चीज़ को शो करेगा कि ये फेज़र इज टेंडिंग इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पूरा फेज़र रोटेट होता हुआ और कितने एंगल से ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से ये सारी क्वांटिटीज ऐसे रोटेट होती हुई है की गई हैं एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन द करंट इज़ लीडिंग फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज बाय 51.76 डिग्रीज

जिसमें से फर्स्ट क्वांटिटी है कैलकुलेशन ऑफ इंपिडेंस सेकंड वन इज करंट थर्ड वन इज पावर फैक्टर नेक्स्ट वन इज फेज एंगल एंड लास्ट वन इज पावर कंज्यूम तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया सबसे पहले गिवन लिखा है यहाँ से गिवन लिखने के बाद सारी क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए देन इसके बाद टू फाइंड लिखने के बाद स्टेप वाइज हम लोगों ने सभी सेक्शंस को प्रॉपरली फाइंड आउट करने की कोशिश की है तो इम्पिडेंस जब फाइंड किया तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अवेलेबल रिएक्टेंस उसका स्क्वायर इसके फॉर्म में इंपिडेंस की वैल्यू निकल के आई करंट फाइंड करना था तो आई आर एम एस इक्वस टू वी आर एम एस अपॉन जेड टोटल इसके अंदर वैल्यू पुट किया तो वो वैल्यू मिल गई देन पावर फैक्टर कैलकुलेशन के लिए कॉस फाई इक्व टू आर अपॉन जेड उसके अंदर वैल्यू पुट किया तो कॉस फाई की वैल्यू मिली नेक्स्ट फॉर्म में फेज एंगल कैलकुलेट करना था तो फेज एंगल इज इक्वस टू कॉस इनवर्स ऑफ आर अपॉन जेड तो आर अपॉन जेड करके जो वैल्यू मिली इसका कॉस इनवर्स निकाला तो मिल गया फेज एंगल फेज डिफरेंस एंगल एंड देन पावर कंज्यूम तो एक्टिव पावर कंज्यूम या ट्रू पावर कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ पीज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस फाइव तो यहां वी आर एम एस भी अवेलेबल है आई आर एम एस भी अवेलेबल है कॉस् फाइव भी अवेलेबल है तीनों की वैल्यू पुट कर दिया टोटल पावर इन टर्म्स ऑफ वॉट्स अवेलेबल है वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी टू पॉइंट फोर फाइव वॉट्स इसके बाद हम लोगों ने फेज़र को प्रैक्टिस किया तो फेज़र के प्रैक्टिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान देना कि लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ लिखा हुआ है तो आपको डेफिनेट लेंथ की लाइन ड्रॉ करने के लिए उसका लेंथ पता होना चाहिए उस क्वांटिटी की पीक वैल्यू पता होनी जरूरी क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा क्वांटिटी का लेंथ उस लाइन का लेंथ अगर उस पर डिपेंड करता है तो हम लोगों ने वी कैलकुलेट किया बाई यूजिंग वी और आई कैलकुलेट किया बाई यूजिंग आई आर हमको पहले से पता था पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ था तो अब वो दो क्वांटिटीज़ पता चल गई लीड एंड लैग कंडीशन यहाँ से चेक कर लेंगे हम लोग सर्किट से सर्किट में इंडक्टर लगा होगा तो करंट लैग कर रही होगी कैपेसिटर लगा होगा तो करंट लीड कर रही होगी लेकिन अगर दोनों लगे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि अगर सपोज दोनों एलिमेंट्स लगे हुए हैं देन यू विल हैव टू चेक कि सर्किट में डोमिनेटिंग पार्ट किसका है अगर सपोज एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स तो मतलब इंडक्टिव पार्ट इज डोमिनेटिंग और इंडक्टिव पार्ट अगर डोमिनेट करेगा तो सर्किट की बिहेवियर कैसी होनी चाहिए एक इंडक्टिव लोड के जैसी होनी चाहिए मतलब इन दैट पर्टिकुलर केस द करेंट शुड लैक फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज और ठीक इसका उल्टा इफ एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल देन द सर्किट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर द एंटायर सर्किट विल बिहेव एज अ कैपेसिटर एंड इन दैट पर्टिकुलर केस द करेंट शुड लीड फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज बाई कैलकुलेटेड एंगल्स तो ये दो कंडीशन भी साथ ही साथ आप इसके ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक ही एलिमेंट लिया हुआ है रिएक्टेंस का तो अगर एक से ज़्यादा दो एलिमेंट्स आ गए तो आपको उस तरीके से डील करना होगा आपको चेक करना होगा दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है और जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर होगी उसके अकॉर्डिंग पूरा सर्किट आपका डॉमिनेटेड होगा और उसकी प्रॉपर्टी को आपको देखते हुए लीड और लैक कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है तो सो फॉर दिस पर्टिकुलर सर्किट करंट वाज लीडिंग फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज बाय 51.76 वन डिग्रीज तो फेजर में मैंने इसकी पीक वैल्यू के अकॉर्डिंग इस लेंथ की लाइन ड्रॉ की इसकी पीक वैल्यू ज़्यादा थी तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन की लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा दिखनी चाहिए करंट की पीक वैल्यू की लेंथ करंट की पीक वैल्यू थोड़ी कम थी तो उसके लिए लाइन की लेंथ भी थोड़ी छोटी ड्रॉ की और करंट लीड कर रही है तो एरो से मैंने यहाँ शो किया हुआ फाइव 51.76 डिग्रीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सेम ऐसे ही फेज़र बनाएं आप चाहें तो इसमें करंट को रेफरेंस अज्यूम करके आप इसे ड्रॉ कर सकते थे वोल्टेज को लैग करता हुआ शो कर सकते हैं या तो आप एक प्रॉपर रेफरेंस एंगल एक रेफरेंस सेक्शन अज्यूम करके उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज को लैग करता हुआ और करंट को लीड करता हुआ आप पूरा शो कर सकते हैं उतने डिग्रीज से तो बहुत सारे तरीके होते हैं ये प्रॉपर एक तरीका होता है जिससे हम फेज़र बनाते हैं मैं यूजुअली इसी मेथड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ तो हम इसके अकॉर्डिंग ही पूरा फेज़र जो है उसको ट्रेस करते हैं ये मेथड प्रेफर करने का कारण भी है क्योंकि जब एनालिसिस हम कर रहे थे

पर डील करें और अपकमिंग वीडियो में अभी मैं बात करने वाला हूं आपसे पैरल एसी सर्किट्स के बारे में पैरल एसी सर्किट्स में कौन कौन से इतने इंपॉर्टेंट होंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे इन फॉर्मूले में वो सब भी जानेंगे हम लोग और इसके जो पार्ट्स थे इसमें जो इम्पिडेंस कैलकुलेशन में जो चेंज आएगा जो पावर कैलकुलेशन में चेंज आएगा पावर फैक्टर कैलकुलेशन में जो चेंजेस आएंगे वो हर एक पॉइंट को डील करते हुए वहाँ भी कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल देखेंगे हम लोग और उसके बाद फर्दर हम और नेक्स्ट वीडियोस में सीरीज़ पैनल ए के बारे में भी डील करेंगे ठीक है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमको डील करना था सीरीज़ ए सर्किट में एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द सीरीज ए सर्किट अगर आपके कुछ भी डाउट्स होंगे या कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ आप बने रहिएगा हमारे साथ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा और नेक्स्ट वीडियो में पैरल एसी सर्किट भी समझना उतना ही जरूरी है जितना सीरीज एसी सर्किट समझना तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच